मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को कई क्षेत्रों में विकसित और आत्मनिर्भर कर दुनिया में भारत का स्थान मजबूत करने का काम किया है। परंतु सबसे बड़ा काम किया है जो हमारे पुरखों की धरोहर है। हमारी संस्कृति हमेशा से पर्यावरण सुरक्षा के साथ लगी रही और हमने भावना से भी और कृति से भी हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा का काम किया और धर्म ने भी पर्यावरण को तवज्जो दी। तो कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो वहां शांति मंत्र बोला जाता है और शांति मंत्र में पशुओं से लेकर, वनस्पति से लेकर, औषधि से लेकर, मानव से लेकर अंतरिक्ष तक की शांति की चिंता करते हैं कि भूमि के अंदर जो गड्ढा कर रहे हैं उससे पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, इससे गायों के मन में भी शांति हो, वृक्षों के मन में भी शांति हो, वनस्पति के मन में भी शांति हो, पशुओं के मन में शांति हो और अंतरिक्ष में भी शांति स्थापन थाए, ऐसा काम मैं हमेशा करूंगा। ये संकल्प हमारे हाथ से लिया जाता है। तो ये जो पर्यावरण की चिंता हजारों साल से हम कर रहे हैं, मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में ग्रीन इनिशिएटिव के माध्यम से समग्र दुनिया में ये लड़ाई का मुखिया भारत को बनाने का काम किया है। और इसीलिए G20 का एक सूत्र वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य दिया गया है। हमने फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की, एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड परियोजना की शुरुआत की। शुरू में विकसित देश कुछ अचंभे से और कुछ मजाक से इस अभियान को देख रहे थे। मुझे आनंद और संतुष्टि है कि मखौल उड़ाने वाले सारे लोग आज सोलर अलायंस के मेंबर बनकर इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली लाइफ के माध्यम से मोदी जी ने हमारी पारंपरिक जीवन पद्धति को दुनिया के सामने फिर से एक बार उजागर किया है कि सालों पहले गुलामी के कालखंड में जिसका मजाक उड़ाया जाता था, वो हमारी पारंपरिक जीवन शैली ही पृथ्वी को बचाने का एक साधन बन सकती है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट और लाइफ मिशन, ये दो आज पूरी दुनिया इसका अनुकरण कर रही है और ये सब इनिशिएटिव के कारण मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियन ऑफ अर्थ के सम्मान से भी सम्मानित किया है।